हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे जो इन्वर्टर लगाया जाता है, कहीं पे वायरिंग किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, यानी फुल सेटअप किया जाता है, यानी फिटिंग चार्ज जो होता है वो कितना लिया जाता है, या आप अपने घर में इन्वर्टर फिटिंग करा रहे हैं तो कितना चार्ज देना चाहिए, किस इन्वर्टर का, सिंगल बैटरी हो या डबल बैटरी हो या ट्रिपल या फोर बैटरी हो या 10 बैटरी हो या 12 हो या 24 हो, जितना भी आपका बैटरी हो इन सबका चार्ज कितना लिया जाता है। बहुत से जगह पे क्या रहता है, इन्वर्टर वायरिंग कर दिया गया रहता है लेकिन स्विच बोर्ड में कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ इन्वर्टर सेटअप करना होता है, स्विच बोर्ड में कनेक्शन किया जाता है तो इसका चार्ज कितना होता है, या कहीं पे इन्वर्टर वायरिंग नहीं किया गया है, सिर्फ मेन लाइन का वायरिंग है और वहां पे आपको इन्वर्टर लगाना है वायरिंग करके, तो उसका चार्ज क्या होता है, या कहीं पे वायरिंग किया हुआ है लेकिन गलत है, उसको सही करना है, दुरुस्त करना है, तो वो सबका चार्ज क्या होता है, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कहीं पे वायरिंग कंप्लीट कर दिया गया है और लाइन चालू है, कुछ दिन बाद आपका इन्वर्टर लगता है, या हो सकता है शुरू में ही लगता है लाइन चालू होने से पहले ही, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट है, ये समझिए। इन्वर्टर का वायर भी डाल दिया गया है स्विच बोर्ड में पर कनेक्शन नहीं किया गया है इन्वर्टर का, इसलिए नहीं कनेक्शन होता है जनरली ज्यादातर, कि जिस समय इन्वर्टर लगता है उस समय फाइनल डिसाइड होता है कि इस पॉइंट में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, एक बल्ब का, दो बल्ब का या फैन का या टोटल बोर्ड में पार्टी के जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कनेक्शन किया जाता है, या आप अपने घर में लगा रहे हैं तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कनेक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 से 6 बोर्ड है, चाहे एक पॉइंट का कनेक्शन हो एक बोर्ड में या टोटल हो या जितना हो, जो बोर्ड ओपन होगा उस समय कनेक्शन हो जाता है। तो 5 से 6 बोर्ड के अंदर कनेक्शन आप करा रहे हैं इन्वर्टर का, और सिंगल बैटरी है, ठीक है, सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो उस बैटरी का कनेक्शन होगा इन्वर्टर से और प्लग लगा करके फाइनल कनेक्शन किया जाएगा, तो इसका 300 रुपये चार्ज होता है। हमने हर जगह से कंपेरिजन किया हुआ है, लगभग 300 रुपये एवरेज होता है, कहीं पे 50 रुपये 100 रुपये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल बैटरी का हमने बतलाया है, अगर ये डबल बैटरी हो जाए तो ये 500 रुपये चार्ज हो जाता है, अगर ट्रिपल बैटरी हो जाए तो ये आपका 700 रुपये चार्ज हो जाता है, अगर 4 बैटरी हो जाए तो ये 1000 रुपये चार्ज हो जाता है, इसी तरह से अगर 10 बैटरी है तो 2000 रुपये चार्ज हो जाता है। अब जिस तरह से बैटरी बढ़ते जाएगा उसी तरह से आपका चार्ज बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे 5 से 6 बोर्ड मैंने बताया सिंगल बैटरी पे 300 रुपया, हो सकता है आपका बोर्ड ज़्यादा हो तो यहाँ पे जितना ज़्यादा बोर्ड बढ़ेगा वो भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 की जगह 10 बोर्ड है और वहाँ पे एक एक ही पॉइंट हो कनेक्शन करने के लिए, या जितना भी पॉइंट हो, इन्वर्टर अगर आपका लोड ले सकता है, हो सकता है वहाँ पे लोड कम हो, बल्ब ही सिर्फ चल रहा है, ज़्यादा फैन नहीं हो, तो वहाँ पे आपका चार्ज बढ़ जाता है, 300 के जगह पे आपका 500 रुपया हो जाता है, ऐसा नहीं कि 600 हो जाए सिंगल बैटरी में। तो बोर्ड भी अगर बढ़ता है तो ज़्यादा खोलना पड़ता है, ज़्यादा कनेक्शन करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से उसका भी रेट बढ़ते जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं, कहीं पर वायरिंग कर दिया गया है, यानी टोटल वायरिंग चालू है पर उसके अंदर इन्वर्टर का वायर नहीं डाला गया है, सिर्फ मेन लाइन का वायर डाला गया है, वहाँ पे वायर आपको डाल करके कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इन्वर्टर का वायर जो होता है यानी वायरिंग जो होता है दो तरह से होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे कहीं पे भी तो एक ही वायर डाला जाता है इन्वर्टर का, लेकिन बहुत से जगह पे कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर काम नहीं करता है, जिसके लिए हमें दो वायर डालना पड़ता है इन्वर्टर का, एक न्यूट्रल एक फेस, लेकिन ज़्यादातर एक ही वायर डलता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो एक वायर डालें या दो वायर डालें वायरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज का, लेकिन वायरिंग का जो होता है एक वायर हो दो वायर हो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, जैसे कि मान लीजिए आपका 10 बोर्ड है, हो सकता है रूम है, किचन है, हॉल है, सब बगल में है, जैसे बगल में रूम हो गया, उसके बगल में आपका रूम हो गया, उसके बगल में मानते हैं हॉल हो गया, किचन हो गया, अटैच बाथरूम भी, मान लीजिए 10 बोर्ड कंप्लीट है, 10 बोर्ड के अंदर आपको वायरिंग करना है। अब मानते हैं हम ओपन लेकर के वायर जा रहे हैं, बिल्कुल अलग, जैसे पाइप वायरिंग भी आपका हो सकता है, केसिंग बिट भी वायरिंग हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, हम उसके अंदर वायर नहीं डाल रहे हैं, ऊपर से लेकर के जा रहा है क्लेम करते हुए, ठीक है। तो अगर 10 बोर्ड है तो वहां पे 500 रुपये चार्ज होता है आपका वायरिंग का, ठीक है, वायरिंग का प्लस आपका इन्वर्टर चार्ज अलग से फिर लग जाता है। जैसे कि जो सिंगल बैटरी का है तो आपका 300, डबल बैटरी का है 500, इसी तरह से चार्ज जो हमने बताया वो तो लगेगा ही, बस वायरिंग का भी एक्स्ट्रा पैसा आपको जोड़ करके देना होता है, या आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको लेना होता है, ये हो गया। अगर वही वायर आपको उस पाइप के अंदर या बीट हो या अंडरग्राउंड हो या ओपन हो उसके अंदर अगर डालना है,
तो यहाँ पे तिरपल का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मेहनत पड़ता है, वायर डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मान के चलिए अगर 10 बोर्ड है तो 1500 रुपये लगेगा, लेकिन हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत हो तो आपका 2000 भी चार्ज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बोर्ड है या ज़्यादा जगह पर डालना है तो उसके हिसाब से वो रेट बढ़ते जाएगा, यानी चार्ज बढ़ते जाएगा। वायरिंग का तो आपको चार्ज देना ही है, प्लस आपको इन्वर्टर का भी चार्ज देना है। अब चलिए मान लेते हैं कहीं पे वायरिंग गलत है। वायरिंग गलत होने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत टाइप से गलत होता है, कुछ तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी रूम में न्यूट्रल फेस मेन वायर सीधा और सही तरह से कनेक्शन किया गया है, दूसरे रूम में हो सकता है कि वहाँ पे न्यूट्रल फेस उल्टा तरह से कनेक्शन किया गया, सही तरह से सीधा कनेक्शन नहीं किया गया है, और वहाँ पे इन्वर्टर का जो वायर है वो एक वायर है, यानी एक वायर का वायरिंग किया गया है। यहाँ पे आप कनेक्शन करेंगे तो एक रूम में आपका काम करेगा, एक रूम में आपका काम नहीं करेगा। ये भी होता है किसी रूम में आपका इन्वर्टर का वायर डाला गया है, किसी रूम में नहीं डाला गया तो वहाँ पे डालना पड़ेगा, या हो सकता है दो रूम में डाला गया है पर आपस में कनेक्ट नहीं हुआ है वायर का, तो वहाँ पे ये जो चार्ज है ये क्लियर तरह से नहीं बतलाया जा सकता है। जो टेक्नीशियन आपके यहाँ काम करेगा वही बतलाएगा कितना समय लग रहा है, किस तरह से वायर लेकर के जा रहा है, उसका चार्ज क्या हुआ, वही प्रॉपर तरह से बतलाएगा उस वायरिंग को सही करने में कितना पैसे का खर्च आएगा, यानी उसकी मजदूरी क्या लगेगी या मटेरियल क्या लगेगा, सही तरह से चार्ज वही बतलाएगा प्लस आपका इन्वर्टर का चार्ज लगेगा। तो इस तरह से जो चार्ज होता है इन्वर्टर लगाने का वो लिया जाता है पैसा। अब आपके मन में ये भी डाउट होगा या सवाल हो सकता है कि हम इन्वर्टर कैसे लगाएं, कनेक्शन कैसे करें, वायरिंग कैसे करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने प्रॉपर तरह से बतलाया हुआ है उन वीडियो में कि किस तरह से इन्वर्टर लगाते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।